मैं पूजा में सफल नहीं हो पाया मंदोदरी, मैं माता को प्रसन्न नहीं कर पाया। माता की सहायता के बिना कल का युद्ध इनके लिए घातक हो सकता है, इसीलिए एक पतिव्रता नारी के रूप में अब मुझे शेष बचे प्रत्येक क्षण को इनके लिए सुखदायी बनाना है, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। स्वामी, महाबली किसी की कृपा से नहीं अपने बल से विजय प्राप्त करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर, आपके बल पर। आज अकस्मात आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन, क्या ये वही मंदोदरी है सदैव मुझे प्रवचन देती रहती थी, भयभीत रहती थी सदैव मेरे लिए? मंदोदरी ने अब व्यर्थ के भय को हृदय से निकाल दिया है। एक पतिव्रता स्त्री को कैसा भय? पतिव्रत धर्म सदैव उसके सौभाग्य सिंदूर की रक्षा करता है, कोई अहित नहीं हो सकता आपका, इसीलिए अब मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। और वैसे भी तो संसार नश्वर है, जो खो दिया उसका शोक नहीं मनाऊंगी। मेरा संसार आपसे है, और जब तक मेरा संसार है जी भर के आनंद मनाऊंगी। स्वयं अपने हाथ से अपने स्वामी को युद्ध के लिए सज्जित करूंगी। प्रसन्नता एवं विजय की शुभकामनाओं के साथ भेजूंगी आपको रणभूमि में। मंदोदरी, अपने हृदय से भय को निकालकर आपने प्रसन्न कर दिया है रावण को। वैसे भी अभिजीत हूं मैं, विजय का पर्याय हूं मैं। आपके शौर्य से कौन परिचित नहीं है स्वामी, अनुपम योद्धा हैं आप। किंतु इन अंतरंग क्षणों में मैं युद्ध की नहीं, प्रेम एवं आनंद की बातें करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप युद्ध को भूलकर मेरे सानिध्य में कुछ क्षण सुख के व्यतीत करें। अवश्य महाराज, आपका सानिध्य संबल बनेगा मेरे लिए। मैंने आपकी रुचि के व्यंजन बनवाए हैं, उनका आनंद लीजिए। आज मैं प्रतीत हो रहा है कि आप हमारी अर्धांगिनी, महाबली लंकेश रावण की अर्धांगिनी। आपके प्रेम भरे स्पर्श से एक रस अत्यधिक मधुर बन गया कि मेरी अंतरात्मा तक तृप्त हो गई। अब से प्रतिदिन आप अपने इन कोमल हाथों से एक ग्रास मुझे अवश्य खिलाया दीजिए। मेरे हाथों से खिलाया गया ये ग्रास ही कहीं अंतिम ग्रास ना हो। स्वामी, मेरे ही भांति ये वीणा भी आपके सानिध्य की प्रतीक्षा में है। इस पर मधुर स्वर लहरी छेड़िए, आनंद का सागर उमड़ पड़ेगा हमारे इस प्रसाद में। Yeah.
मधुर, इतनी कर्ण प्रिय स्वर लहरी। भ्राता रावण रुद्र वीणा बजा रहे हैं। महासंगीतज्ञ हैं मेरे भ्राता। अंतर मन तक को स्पंदित कर दे, ऐसा है उनका संगीत। किंतु इतने बड़े संगीतज्ञ होकर भी वो अद्भुत है। रावण का संगीत मुरझाए पुष्प को खिला दे, दुखी का दुख भुला दे, निराश मन को उल्लास से भर दे। ऐसा दिव्य संगीत कि ईश्वर भी मोहित हो जाए। आश्चर्य है, ऐसा महान संगीतज्ञ, महाज्ञानी, महाभक्त और धर्म का द्रोही। हाँ लक्ष्मण भैया, यदि रावण अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करता तो समाज एवं संसार का बहुत कल्याण कर सकता था। गुण एवं अवगुण दोनों ही मनुष्य के भीतर होते हैं। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अवगुणों को प्रधानता देता है या गुणों को। रावण एक अच्छा कलाविद है, विद्वान है, किंतु अपनी शक्ति के मद में चूर उसने अवगुणों को प्रधानता दी। हाँ प्रभु, जिसके कारण अब वो विनाश की सीमा पर आ खड़ा हुआ है। भले ही ये मुरझाए हुए पुष्पों को जीवन देने वाला संगीत बजा रहा है, किंतु इसके पाप कर्म, इसके संगीत को, इसकी विद्वता को और इसे स्वयं को अंत की ओर लेकर आ गए हैं। पिछली बार तो तुम्हारे प्राण बच गए थे उस तुच्छ वानर के कारण, परंतु कल प्रातः काल तुम बचोगे। नहीं स्वामी, कल की चिंता में आज के आनंददायी क्षण मत गवाइए। सारी चिंताएं भुलाकर कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए।
कल का दिन कदाचित ही ऐतिहासिक हो। कल युद्ध में नवीन स्फूर्ति की आवश्यकता होगी, अतः आज रात आप सब कुछ भूलकर निद्रा का आनंद लीजिए, हम दोनों के अंतरंग सानिध्य का। सो जाइए स्वामी। सुख के दिनों में रावण ने सदैव पत्नी की उपेक्षा की, अपमान करता रहा मंदोदरी का, अन्य स्त्रियों के सानिध्य में सुख खोजता रहा, यहां तक कि देवी सीता का हरण कर लिया। किंतु अब इस दुख की घड़ी में मात्र मंदोदरी ही उसका संबल बनी हुई है। मंदोदरी को भी इस सत्य का आभास है कि कल का दिवस कदाचित अंतिम दिवस हो रावण के जीवन का। भले ही रावण ने जीवन भर पति धर्म ना निभाया हो, किंतु वो अपने पत्नी धर्म पर अडिग है। यही पतिव्रत धर्म है नारी का, ये मंदोदरी के पतिव्रत धर्म की शक्ति ही है जो अब तक रावण की स्वासे बनकर उसे जीवित रखे हुए। और यदि अब भी रावण ने दुराचार और अधर्म का पथ नहीं छोड़ा तो कल का दिवस रावण के लिए अंतिम दिवस होगा। अस्थियां नहीं, ये सत्य नहीं, मेरा भ्रम है। कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? अभी जो तुमने देखा लंकेश, वो तुम्हारे अपनों का ही रक्त है, जो तुम्हारे ही कारण असमय लंका की धरती पर बहाया गया है। वो अपने
जिनका अंत हुआ है तुम्हारे कारण, तुम्हारे अपने अहम की तुष्टि के लिए। अब तुम्हारे रक्त के बहने का भी समय आ गया है लंकेश। हाँ, हम सब आपको ले जाने के लिए आए हैं। हाँ पिताश्री, चलिए हमारे साथ। तुम्हारे कारण ही हमें असमय काल का ग्रास बनना पड़ा। काल का ग्रास बनने योग्य ही थे तुम सब, इसलिए मारे गए हो। पर यदि मृत्यु का इतना ही भय था तो क्यों गए रणभूमि में? नहीं करते युद्ध और चले जाते उस द्रोही विभीषण की भांति उस वनवासी के चरणों में लौट रहे, और तुम सब मुझे लेने आए हो। स्वयं यमराज भी आ जाए तो रावण को नहीं ले जा सकते, क्योंकि रावण का कभी अंत नहीं हो सकता। माया भी शक्तियों का स्वामी हूं मैं। देवताओं से छीनी हुई शक्तियां हैं रावण के पास, अमृत है रावण के पास, और यही नहीं, जिस बाण से मेरी मृत्यु होनी है उसे भी छीन लिया है रावण ने। इसलिए रावण का अंत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। ऋषि अगस्त्य, आप? प्रणाम ऋषि। कल्याण हो। सूर्यवंशी राजकुमार श्री राम, राक्षस राज रावण जो अधर्म का प्रतिरूप है, आज उससे आपका निर्णायक युद्ध होने वाला है। अतः आज रणभूमि पर जाने से पूर्व आपको अपने इच्छाकु कुल के कर्णधार भगवान आदित्य नारायण अर्थात सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव का आशीर्वाद आवश्यक है। मैं आपको एक वैदिक स्त्रोत प्रदान करूंगा, आदित्य हृदयम स्त्रोत। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके पाठ से सदैव विजय की प्राप्ति होती है। यह सूर्यदेव का अक्ष और परम कल्याणमय स्त्रोत है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विश्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गर्भास्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। श्री आदित्य हृदय स्त्रोत्तम पठन करें कौशल्यानंदन। सूर्य से पाए तेज व शक्ति दशरथ के सुत सूरज वंशी। ऋषि अगस्त आशीष बरसाई राम सहित सेना हर साई। इत भय पूरन राम को वंदन उत संध्या कर सको न रावण। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। अब देखेगा वो वनवासी और वो तो छबाना कैसे रावण लंका की रणभूमि को मृत्यु भूमि बना देगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
अंत कर दूंगा सबका। रावण हूं मैं, रावण हूं मैं। आज प्रभु श्री राम दशमी को विजय दशमी में परिवर्तित करेंगे और आज की ये दशमी तिथि सदैव विजया दशमी के रूप में स्मरण की जाएगी। आज भीषण युद्ध होने वाला है। कहीं पूर्व की भांति मंदोदरी पुनः भयभीत न हो जाए। मंदोदरी, लंकेश रावण की महारानी, गर्व है मुझे तुम पर। प्रभु, मैं बहुत उत्साहित हूं आज। हनुमान, मुझे तो तुम्हारा उत्साह हर क्षण दिखाई देता है, फिर आज ऐसा क्या विशेष है? विशेष है ना प्रभु, आज गुरुदेव सूर्यदेव का आशीर्वाद जो प्राप्त हो गया है आपको। आज उस राक्षस राज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि सूर्यवंशी शक्ति क्या होती है। मंदोदरी की हिम्मत आज नहीं कांपे। मंदोदरी, आपका मेरे प्रति ये विश्वास मुझे संबल प्रदान करता है। युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मैं आपको अपनी भुजाओं में लेकर आलिंगन करना चाहता हूं। कैसे दिखाऊं मैं आपको अपने हृदय की पीड़ा? एक भीषण झंझावात है, हर क्षण झिझोड़ रहा है मुझे।
हे आलिंगन, प्रतीत हो रहा है जैसे वर्षों पूर्व का समय लौट आया हो। हे विधाता, ये समय यहीं रुक जाए, मैं आपके हृदय के सदैव समीप रहूं। मंदोदरी, आज तो मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम ऐसे ही हृदय से लगाए रखो। एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है तुम्हारे सलिंगन से। तो लगाए रखिए मुझे हृदय से, मत जाइए रणभूमि में, लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को। मरा हुआ सर्प भवन के द्वार पर, महाअशुभ संकेत है ये। अब तक तो किसी प्रकार अपने भय को अपने हृदय में दबाए रही, साहस के साथ मुस्कुराने का दिखावा करती रही, किंतु अब यदि मैं टूट गई तो नहीं नहीं, कितने भी अशुभ संकेत दिखाई दे, मैं अपने भय को अपने मुखड़े पर नहीं आने दूंगी। मंदोदरी, आपको आभास भी नहीं होगा कि आपके इस स्मित हास ने, आपके मुझ पर विश्वास ने मेरे भीतर कितनी बड़ी शक्ति और आशा का संचार किया है। आप देखना, कुछ नहीं होगा आपके रावण को, विजयी होकर लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास। हाँ स्वामी, पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है, मेरा पतिव्रत धर्म हर क्षण आपकी रक्षा करेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए रणभूमि में। आज भी प्रभु एकाकी ही युद्ध करेंगे, अतः आज वो मुझे पुनः अपने रथ का स्थान देंगे। मृत सर्प का महा अपशकुन, और ऊपर से मैं स्वामी को शुभकारी दही शर्करा भी नहीं खिला सकी। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे, अपने धर्म से कैसे चूक गई मैं।
पति एवं पत्नी एक दूसरे के अर्धांग कहे जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के सानिध्य में ही सुख एवं शांति मिलती है। पत्नी का धर्म है कि पति की हर इच्छा का सम्मान करे, उसे सुख पहुंचाए, उसके दुख बांट ले। उसी प्रकार पति का भी धर्म है कि पत्नी की इच्छाओं का आदर करे, उसके दुख बांटकर उसे सुख पहुंचाए। मंदोदरी ने तो अपना पत्नी धर्म भली भांति निभाया है, परंतु रावण ने कभी भी पति धर्म नहीं निभाया। उसने सदैव दुख दिए हैं पत्नी को। पहले परस्त्री को ले आया और फिर पत्नी के मना करने पर भी पुत्रों को अपने अभिमान के बलि चढ़ा दिया। हाँ देवेश्वर, मंदोदरी भीतर से अवश्य टूटी हुई थी, किंतु उसने तब तक अपना साहस बनाए रखा जब तक पति उसके साहस से उत्साहित होकर विदा नहीं हो गए। यही है अर्धांगिनी का धर्म। किंतु रावण ने अपने अहंकार को अपनी अर्धांगिनी बना रखा है, वो अहंकार जो हर क्षण उसे अंधकार और पतन की ओर खींचकर लिए जा रहा है, और रावण के लिए विनाश को देखकर भी अनदेखा कर रही है। लंकेश रावण का रथ है, आज नहीं रुकेगा ये। एक वृद्ध को देखकर भी तुमने अपने रथ की गति कम नहीं की दुष्ट, इस वृद्ध की हाय लगेगी तुम्हें। आज के बाद तो इस रथ पर चढ़ने के योग्य ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उस शनिदेव को भले ही हनुमान ने बहुत समय पूर्व तुम्हारे बंधन से मुक्त करा दिया, किंतु मैं इसी क्षण के लिए यहां रुका था। मुझे ज्ञात था कि अहंकार के मद में चूर तुम्हें वृद्ध के प्राणों की चिंता नहीं की, और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे इस कृत्य के कारण तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब ये घड़ा फूटेगा, अवश्य फूटेगा प्रभु श्री रामचंद्र के हाथों। चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों। ये आकाश से कैसी ध्वनि आती हुई सुनाई दे रही है, जबकि रावण के रथ की गड़गड़ाहट तो लंका के द्वार से आ रही है। अवश्य ही आकाश से कोई आपदा आने वाली है। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, भ्राता विंदुन माली, अब समय आ गया है। हाँ भ्राता उग्र दृष्टम, तुम्हारी दृष्टि की उग्रता दिखाने का समय आ गया है। अब तक तो हम इस युद्ध से विलग रहे, किंतु अब लंकेश एकाकी पड़ गए हैं। जो कि धरती पर अब कोई भी असुर लंकेश की सहायता के लिए शेष नहीं बचा। लंकेश ने हमें आकाश का स्वामी बनाया था। हाँ। अब समय आ गया है कि संकट की इस घड़ी में हम लंकेश का साथ दें। और हमें वरदान प्राप्त है, अगर हमने लंका की धरती पर पांव रख दिए तो हम अजय हो जाएंगे, फिर कोई भी हमारा
अहित नहीं कर सकेगा। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, इसलिए सर्वप्रथम हमें लंका की धरती को स्पर्श करना है। हाँ। फिर हम युद्ध में लंकेश की सहायता भली भांति कर सकेंगे। धरती पर उतरो और संघार करो इन वानरों और नरक। ऐसा ही होगा असुरराज। हाँ। पहले उतरेंगे और फिर संघार करेंगे। संघार करेंगे। उग्रदृष्टम, हमारी सेना को भले ही हमारा मुख्य उद्देश्य ज्ञात नहीं है, किंतु हमें इस बात का स्मरण रखना है, लंकेश की सहायता हम केवल इसलिए कर रहे हैं जिससे हम अनंत काल तक लंकेश के साथ मिलकर लंका पर राज कर सकें। आकाश की ओर से भी सतर्क रहना होगा मुझे। मुख्य द्वार। पंचम द्वार की ओर से जाऊंगा। अब ये लंका का मुख्य द्वार तभी खुलेगा जब लंकेश रावण अपने इस युद्ध में विजयी होकर लौटेगा। आज अपने मायावी पंचम द्वार से प्रवेश करेगा रणभूमि में ये रावण। अकस्मात ये कैसी शांति छा गई? रथ की गड़गड़ाहट रुक गई। भयभीत होके लौटने वाला नहीं है वो राक्षस। ये आकाश में होती हुई विचित्र सी हलचल, ये घिरता हुआ अंधकार और मंडराते हुए हिंसक पक्षी, ये संकेत है आकाश से आती हुई किसी आपदा का। किंतु ये राक्षस राज एकाएक कहां रुक गए? कोई अन्य योजना बना रहा है क्या रावण? कहीं ये दुष्ट आकाश से आक्रमण तो नहीं करने वाला? महान सब प्रयुक्त है, कौन है किसी से कम, शक्तियाँ महान सब प्रयुक्त है। धर्म का धर्म से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से ये युद्ध है। नीति का अनीति से ये युद्ध है। कितने भी माया दर्शा ले ये रावण, किंतु प्रभु आज आपके हाथों इस दुष्ट का अंत निश्चित है।
श्री राम, बोलो रघुवर नंदन, जय श्री राम, जय हनुमान, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान, प्रभु श्री राम, जय हनुमान। देखा, ये है प्रातः दशानन की माया। एक रावण वो भी दस रूप में। मुझे ज्ञात था प्रातः रावण आज युद्ध भूमि में अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे। यूं भी कह सकते हैं कि आज दस रावण के समान शक्ति वाले रावण से युद्ध होगा प्रभु श्री राम का। रावण प्रस्तुत है तुम्हारे सामने बनवासी। बहुत हो चुका जीवन मृत्यु की लुका छिपी का खेल। आज होगा अंतिम निर्णय। इस युद्ध की समाप्ति होगी तुम्हारी मृत्यु के साथ। रावण, अवश्य ही ये युद्ध आज समाप्त होगा। निर्णायक युद्ध होने वाला है आज, और निर्णय होगा धर्म की विजय का। मिटोगे तुम और तुम्हारा अधर्म का साम्राज्य। रावण, अवश्य ही ये युद्ध आज समाप्त होगा। निर्णायक युद्ध होने वाला है आज, और निर्णय होगा धर्म की विजय का। मिटोगे तुम और तुम्हारा अधर्म का साम्राज्य। मैं पुनः तुम्हें स्मरण करा दूं, आज भी मैं अपना वचन निभाऊंगा। एकाकी युद्ध करूंगा तुमसे, और यदि मेरे और हनुमान के पांव तनिक भी पीछे हटे, मैं उसी समय अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। तुम्हारे या तुम्हारे वानर के पग पीछे हटे या ना हटे वनवासी, परंतु रावण के रूप में तुम्हारी मृत्यु के पग अवश्य तुम्हारी ओर पड़ चुके हैं वनवासी। जिन्हें तुम वनवासी कह रहे हो, उनके और उन्हीं योद्धाओं के हाथों तुम्हारे भाई बंधुओं सहित तुम्हारी समस्त सेना का अंत हो चुका है। रावण, तुम्हारे भी अंत का समय आ गया है। शीघ्र ही तुम भी काल के गाल में समा जाओगे रावण, और तुम्हारे ये चमकते हुए स्वर्ण आभूषण तुम्हारे अहंकार के साथ ही धूल में मिल जाएंगे। रावण, इन्हीं वनवासी के चरणों में पड़ी होगी तुम्हारी निर्जीव देह। धूल में तो मिलोगे तुम, तुम्हारा ये वनवासी प्रभु और तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना। फल नहीं, दिवस नहीं, मास या बरस नहीं,
ये उदाहरण युगों का बन रहा, ये उदाहरण युगों का बन रहा। मान अभिमान क्या और स्वाभिमान क्या, आज युद्ध देखो इनमें ठन रहा, आज युद्ध देखो इनमें ठन रहा। अब कहा क्या देर है, पास ही सवेर है। अब कहा क्या देर है, पास ही सवेर है। होने को तिमिर सारा लुप्त है। धर्म का धर्म से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से ये युद्ध है, नीति का अनीति से ये युद्ध है। विद्युत अग्नि अस्त्रों पर स्थित हो। मैं इंद्रदेव का अस्त्र विद्युत अग्नि वर्षा की भांति विद्युत बाणों की वर्षा करके शत्रु को क्षण भर में समाप्त कर देता हूं। मैं मिलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। रावण! देव का प्रचंड अस्त्र, मैं प्रचंड वायु अपने प्रचंड वेग से सब कुछ उड़ाकर नष्ट कर देता हूं। आज तुम अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता के साथ युद्ध कर सकते हो। तुम्हें अधर्म युद्ध से रोकने के लिए देवी तारा भी नहीं है तुम्हारे साथ। बहुवास्त्र उपस्थित हो। मैं धन्वंतरी देव की अमृत की शक्ति से निर्मित बहुआस्त्र अपने लक्ष्य को समाप्त कर देता हूँ, किंतु मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। रावण ने तो अमृत से निर्मित अस्त्र का आवाहन किया है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे वनवासी। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को समाप्त कर देगा मेरा यास्त्र। चंद्रास्त्र। हा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 ह
विफल हो गया ये अस्त्र भी। अमृत से निर्मित है यह अस्त्र, इसे विफल करना सहज नहीं है वनवासी। अरे ये तो पुनः प्रकट हो रहा है। हाँ, प्रकट हो रहा है ये। देखा, इस वनवासी के बस में नहीं है मेरे अस्त्र को विफल करना। मां विनाशक है अस्त्र, और अधिक विनाश करेगा ये। और विनाश करेगा, परंतु ये तो अपने अस्त्र का वार कर चुका है। यह अस्त्र पुनः प्रहार करने वाला है। दूर हट जाओ, संभालो ये अस्त्र, संभालो, दूर हट जाओ, संभालो, ये विचित्र अस्त्र, मित्रों, हट जाओ। भैया राम को दिए हुए वचन ने हमारे हाथों को पान दिया है, हम अस्त्र भी नहीं उठा सकते, अन्यथा अन्यथा भी इसे विफल नहीं किया जा सकता। अमृत से बने हुए होने के कारण इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रभु, ये तो हर एक प्रहार के बाद और घातक और विशाल होता जा रहा है। इधर ये अस्त्र विनाश लीला रचा रहा है और उधर आकाश में भी कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। अवश्य ही इस राक्षस राज ने किसी अन्य को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया है। रावण, तुमसे युद्ध करने के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे समक्ष। फिर तुमने उन निर्दोष वानरों पर प्रहार क्यों किया? निर्दोष नहीं, दोषी है वे। रण का सबसे बड़ा दोष है तुम्हारा पक्ष लेना। आज मैं लंका लौटूंगा तो तुम और तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को मिटाकर ही लौटूंगा। अब लंका का मुख्य द्वार खुलेगा तो केवल विजेता लंकेश के लिए, अन्यथा कभी नहीं खुलेगा ये। उधर तुम्हारी संपूर्ण सेना का अंत होगा और इधर तुम दोनों का अंत होगा। हा
अवश्य ही आकाश से कोई बड़ी आपदा टूटने वाली है हम सब पर, किंतु क्या करूं, प्रभु को छोड़कर जा नहीं सकता, ना ही बहु अस्त्र से अपने साथियों को कष्ट पहुंचते देख सकता हूं। हनुमान, मैं रावण को संभालता हूं, तुम जाकर उन वानरों को बहु अस्त्र से बचाओ। प्रभु, आपको बिना रथ के कैसे इस प्रकार छोड़ सकता हूं मैं? रावण पुनः ऊंचाई का लाभ उठाकर आपको क्षति पहुंचाएगा प्रभु, यही नहीं मुझे प्रतीत हो रहा है कि इसने किसी अन्य को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया है। उसके लिए तुम चिंता मत करो हनुमान, जाओ और अपने वानर साथियों की रक्षा करो, सहायता करो उनकी। बहु अस्त्रा जो रावण छाड़ी, रामचंद्र की सेना प्रतारी, हनुमत चाहे कि करें सहाय, राम को छोड़ पर किस विधि जाए। प्रभु श्री राम के लिए भले ही हम युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उनके लिए मृत्यु प्राप्त करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जाओ हनुमान, सेना की रक्षा करो, महाराज सुग्रीव की रक्षा करो। क्या करे हनुमान, रावण आक्रमण कर रहा है प्रभु पर, आकाश से भी किसी संकट के आने की आशंका है, उधर महाराज सुग्रीव आदि भी संकट में हैं। क्या करे हनुमान। जय श्री राम। क्या करूं मैं, प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता और उन्हें इस राक्षस के समक्ष वाहन विहीन छोड़कर जा भी नहीं सकता। दुविधा छोड़िए हनुमान, आप प्रभु के साथ ही रहिए, उनको दिए हुए वचन के कारण मैं अपने शस्त्र को नहीं उठा सकता, परंतु प्रहता दशानन द्वारा छोड़े गए घातक अस्त्र को बाधित अवश्य कर सकता हूँ। स्वयं को कैसे संकट में डाल लिया विभीषण जी ने, नारायण नारायण। धर्म पथ पर चलने वालों की सहायता के लिए अनेक निष्ठेवान सहयोगी स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। प्रभु सेवा में सदैव तत्पर हनुमान के अलावा प्रभु के अन्य अनुयायी भी पीछे नहीं रहते। महाराज सुग्रीव बहु अस्त्र का आघात अपने वक्ष स्थल पर सहने के लिए तैयार थे, पर विभीषण भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना उसे थाम कर रखने की चेष्टा कर रहे हैं। सत्य कहा आपने देव ऋषि, परंतु विभीषण अधिक समय तक बहु अस्त्र को नहीं रोक सकेंगे। अब तो हनुमान को ही शीघ्र अपनी द्विधा तज कर उनकी और अन्य सभी की सहायता करनी होगी। हाँ, क्योंकि भ्राता असुर विंदुन माली और उग्र दृष्टम अपनी सेना के साथ एक महासंकट बनकर बड़ी तीव्रता से उनकी ओर अग्रसर हैं और एक अत्यंत विकट समस्या उत्पन्न करने वाले हैं। हनुमान को शीघ्र ही उचित निर्णय लेना होगा। हनुमान को इस असमंजस स्थिति से निकालने का उपाय क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? गुप्त
कल्पित नाग के विषदंश के समान है ये अति विनाशक महाप्रचंड अस्त्र, तुम सबका सर्वनाश कर देगा। हनुमान, विभीषण इस अस्त्र को और देर तक नहीं रोक सकेंगे, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। चिंता मत करो हनुमान, आज मैं रावण और उसकी शक्तियों को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। इस नर को परास्त करना इतना सहज नहीं। ये आकाश से प्रभु की ओर क्या बढ़ रहा है? ये तो दिव्य रथ है, परंतु किसका रथ है ये? सारथी के सिवाय इस दिव्य रथ पर और कोई आरूढ़ नहीं। ये तो मातली है, अर्थात ये तो देवराज इंद्र का रथ है। तो देवराज इंद्र ने अपना रथ भेज दिया कि मैं अपने वानर और वृक्ष बंधुओं की सहायता कर सकूं। और मेरे प्रभु उनके रथ पर आरूढ़ होकर इस दुष्ट राक्षस से युद्ध करते रहे। इंद्र और अन्य देवता इस वनवासी की सहायता करने का दुस्साहस कर रहे हैं। इस युद्ध के पश्चात उचित पाठ पढ़ाना होगा उन्हें भी, परंतु ये वनवासी अभी इस रथ का लाभ उठाए उससे पूर्व ही मुझे इसे नष्ट करना होगा। देवराज ने बड़ी आशा के साथ मुझे यहाँ भेजा है। आपके निर्णय के अनुसार कोई भी देवता युद्ध में आपके सहायक नहीं बन सकते, परंतु आप उनके रथ का तो उपयोग कर सकते हैं। मुझे देवराज इंद्र का रथ स्वीकार है। बहुअस्त्र और प्रचंड होता जा रहा है प्रभु, सहायता करें। महाराज विभीषण, हनुमान अब कोई दुविधा नहीं जो तुम्हें रोक सके। जाओ वानरों की रक्षा करो, सहायता करो उनकी। जो आज्ञा प्रभु। इससे पूर्व ये वानर अपने साथियों की सहायता करें, मैं इन दोनों को समाप्त कर दूंगा और नष्ट कर दूंगा इनका ये रथ भी।